तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लेके हम एक्टिवा 7G की न्यू अपडेट। तो गाइस, हम एक्टिवा 7G के बारे में बात करेंगे और उसी लॉन्च डेट, उसी प्राइस, उसी फीचर्स, उसी लुक और उसी माइलेज सब के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम पहले बात करते हैं इसी लॉन्च की। तो आपको गाइस इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है गाइस, जो इस एक्टिवा का जो लॉन्च है वो लेट हो गया है। तो गाइस ये बहुत डिले हो गया है, तो ये अब दिसंबर में आने वाली है। तो गाइस इसको लेके बहुत बड़ी सनसनी है कि हमें हमारे सोर्सेज ने बताया है कि एक्टिवा अभी थोड़ी लेट हो गई है। तो इसलिए गाइस अब आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी गाइस अगर हम माइलेज की बात करें तो आपको पता है कि एक्टिवा हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देती है। तो हर बार इसी माइलेज रेट थोड़ा ऊपर ही देखने को मिलता है। तो इस बार हमें लगता है 65 की माइलेज आपको इजीली मिलने को मिल सकती है। तो गाइस 65 की माइलेज वैसे बहुत ज़्यादा होती है, बट हमें लगता है कि एक्टिवा इस बार 65 की माइलेज गारंटेड आपको देगा। तो गाइस जब हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऊपर, तो गाइस हमने बहुत सारे स्कूटर में देखा है कि i3 टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। जैसे आपने बहुत सारे जैसे जुपिटर 125 हो या हीरो मेस्ट्रो में देखा ही होगा कि i3 टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आपको ये लगता है कि एक्टिवा में i3 टेक्नोलॉजी आएगी नहीं आएगी, हमें कमेंट करिए बताइए। तो गाइस i3 से बेसिकली काम यही होता है कि जैसे ही आप कहीं पर खड़े हो, आप 20 सेकंड खड़े हो, अभी एक्टिवा बंद हो जाए, जैसे ही आप स्टार्टिंग वाला बटन दबाओगे तो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका बेस्ट फीचर इस टाइम होने वाला है i3s का। तो गाइस i3s तो होना बहुत ज़रूरी है एक्टिवा में। और गाइस हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बूट स्पेस को लेके, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो जुपिटर है, जुपिटर ने बहुत बड़े बड़े बूट स्पेस देने स्टार्ट कर दिए हैं। जो जुपिटर का बूट स्पेस है वो 2 हेलमेट जितना बड़ा बूट स्पेस है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या एक्टिवा बूट स्पेस बड़ा होगा, क्या एक्टिवा में मतलब हम 2 हेलमेट रख पाएंगे या ये है। तो गाइस इसके लिए अभी बात चल रही है, मतलब एक्टिवा का डिले होने का मतलब ये है कि गाइस एक्टिवा बहुत जो हमने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेस्ट लाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस मुझे लगता है कि एक्टिवा ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज लेके आने वाली है। तो बस अभी हम थोड़ा टाइम आपको वेट करना ही पड़ेगा गाइस। हमें तो लगता है कि एक्टिवा अपने कॉम्पिटिटर से खतरनाक कुछ लाने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी सारा काम अभी चल रहा है, एक्टिवा भी आसानी से रिवील नहीं करेगा अपना कि वो क्या क्या लेके आ रहा है, लेकिन हमें लगता है जल्दी से जल्दी गाइस हमें कुछ ना कुछ नया देखने को पक्का मिलेगा। और गाइस अब हमें आपको अब हमारी वीडियो रिलेटेड कोई भी कमेंट्स है या कुछ भी डाउट है हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कुछ भी हमें पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।